हाय फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम पूरे भारत में रोशन किया। उनका नाम हनुमंत गायकवाड़ है, जो कि BVG यानी भारत विकास ग्रुप के फाउंडर और ओनर है। हनुमंत जी एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हुआ करते थे जो अपनी फाइनेंशियल पोजिशन के कारण परेशान रहते थे। उनके पास अपने बस के रेंट के भी पैसे नहीं होते थे। हनुमंत जी ने अपनी 10th 88% से पास की और डिप्लोमा में एडमिशन ले ली। डिप्लोमा के बाद हनुमंत जी ने डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दिया। पैसे की कमी की वजह से हनुमंत जी पार्ट टाइम काम किया करते थे, जैसे पेंट जॉब करना, कॉन्क्रीटिंग करना एक्सेट्रा। फिर उन्होंने BVG की स्थापना की 1990 में। 1994 में जैसे ही उन्होंने BTech कंप्लीट किया, उन्होंने टेलको ज्वाइन की। टेलको ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना पार्ट टाइम जॉब बंद नहीं किया। 22 मई को उन्हें अपना फर्स्ट हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला और जल्द ही उन्होंने इंडिका प्लांट क्लीनिंग का भी काम चालू किया। हनुमंत जी के साथ उनके एक दोस्त उमेश हमेशा रहते थे। उनका साथ उन्होंने बहुत दिया। BVG की सक्सेस में जितना हाथ हनुमंत जी का है, उतना ही हाथ उमेश का भी है। वो दोनों BVG की सक्सेस में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। BVG बहुत ही तेज़ी से सक्सेस की ओर बढ़ रहा था। राष्ट्रपति भवन और PM रेसिडेंस को क्लीन और मेंटेन करने का काम भी BVG करता था। महाराष्ट्र के लगभग सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल BVG मेंटेन करता है। दोस्तों, कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी मेहनत और लगन से ये जगह हासिल की, इसमें और कुछ नहीं, उनका हार्डवर्क और उनकी दूर की सोच ही उनके काम आई। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने रश्मि बंसल की एक बुक कनेक्ट द डॉट इससे ली है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।